रेलवे स्टेशन पर जब जाते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलता है जहाँ पर एंट्री लिखा होता है या फिर ये लिखा होता है कि इधर से आप एंट्री नहीं करिए क्योंकि यहाँ से ट्रेन गुजरती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में स्टॉल लगाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है, डिस्प्ले किया गया है एक एक चीज़ को कि रेलवे विभाग कैसे काम करता है, किस तरीके से रेलवे की पार्किंग होती है, उनके रूट्स कैसे बनाए जाते हैं, सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। एक एक चीज़ करके आपको दिखाते हैं, करिएगा। ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है और ये कितना हाईटेक है, यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है कितने खूबसूरत तरीके से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। भारतीय रेलवे आज के टाइम में यात्रा करने के लिए सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा जरिया है, जहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग डेली आते जाते हैं, पैसेंजर वहाँ से आते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ, यहाँ पर हाई पावर इंजन को डिस्प्ले किया गया है। भारत आज बुलेट ट्रेन चला रहा है, भारत आज वंदे भारत ट्रेन चला रहा है, दुनिया भर के ट्रेन भारत में चल रहे हैं। इंजन ये वंदे भारत ट्रेन को दिखाया गया है, वंदे भारत ट्रेन फुल एसी ट्रेन है और ये भारत की सबसे तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। यहाँ पर पढ़ के आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या स्पीड है वंदे भारत की। वंदे भारत के अलावा यहाँ तेजस एक्सप्रेस को भी दिखाया गया है, हमसफ़र एक्सप्रेस को भी दिखाया गया है। तेजस एक्सप्रेस की जो स्पीड है, अलाउड स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर, यानी 21 mph की इसकी स्पीड है, तेजस की स्पीड ये है। जबकि वंदे भारत की स्पीड इससे ज़्यादा है। वंदे भारत की स्पीड की अगर हम बात करें तो वंदे भारत की इंटीरियर पैनलिंग विद द कंसर्न, यहाँ पर इसकी स्पीड नहीं लिखी गई है, लेकिन ये सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है। माफ़ करिएगा, यहाँ पर आपको स्पीड बताते हैं, इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 140 सेकेंड कंपेयर टू 145 सेकेंड अर्लियर। ये जो ट्रेन चलती हैं उससे, अभी तक जो ट्रेन चलती थी उसमें से सबसे ज़्यादा स्पीड इस ट्रेन की है, वंदे भारत ट्रेन की। यहाँ हमसफ़र है, वंदे भारत है। इसके अलावा यहाँ पर इंजन को दिखाया गया है जो बनारस में तैयार होता है, बनारस में तैयार किया गया है ये इंजन है, इसको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर भारतीय रेलवे की तरफ से और क्या क्या कुछ यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। ये डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार है, इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी है, इलेक्ट्रिक से जो पूरी तरीके से बिजली से इंजन चलता है उसको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बना है, बाहर जाने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई स्टेशन है या फिर क्या है। भारतीय रेल का नेटवर्क आज के टाइम में इतना ज़्यादा है, पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो इसका विस्तार इतना ज़्यादा हो चुका है, जहाँ कभी सोचा नहीं गया था वहाँ भी आज ट्रेन चल रही है। चाहे वो कश्मीर की पहाड़ियाँ हो या फिर हिमाचल की पहाड़ियाँ, सब जगह आज के समय में ट्रेन आती जाती हैं। पहाड़ों में किस तरीके से ट्रेन गुजरती हैं उसको दिखाया गया है यहाँ पर। पहाड़ों में कैसे गुफा, पहाड़ों को काटकर गुफा तैयार किया जाता है, उसके अंदर से ये ट्रेन गुजरती है, टनल तैयार किया जाता है। कश्मीर के टनल के बारे में आपने सुना है, वो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। आप अगर कभी सिक्किम गए हों तो वहाँ चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और वहाँ ट्रेन चलाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पहाड़ी कहीं ऊंची है कहीं नीची है। उसका 3D मॉडल यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे सिक्किम की पहाड़ियों में भी इस 3D मॉडल के जरिए दर्शाया जा रहा है कि वहाँ रेल के नेटवर्क को कैसे बनाया गया है, गुफा के अंदर ट्रेन कैसे गुजरती है पहाड़ों के अंदर से, कई कई किलोमीटर टनल काट के बनाया गया है ट्रेन को यहाँ से गुजरने के लिए। तो यहाँ के रूट को, सिक्किम के रूट को 3D के माध्यम से यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। अभी आपको टनल दिखाया, 3D मॉडल के जरिए से दिखाया कि सिक्किम के पहाड़ों में भी कैसे ट्रेन रूट को तैयार किया गया है। अब आप ये देख लीजिए, जहाँ नदियाँ होती हैं पहाड़ में, वहाँ पर ब्रिज तैयार किया जाता है और उस ब्रिज के अंदर से ट्रेन गुजरती है। कई किलोमीटर लंबे ये ब्रिज होते हैं। फिर पीछे देखिए डिस्प्ले पर, पहाड़ों से अगर जहाँ नदियाँ बहती हैं वहाँ पर इस तरीके से ब्रिज को तैयार करके ट्रेन को गुजारा जाता है, ट्रेन यहाँ से गुजरती है। ये अपने में एक अनोखा टास्क है, बहुत सराहनीय पहल भारतीय रेलवे की। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में ये एग्जीबिशन में स्टॉल लगाया गया है। आपको यहाँ पर दिखाया कि भारतीय रेलवे आज के टाइम में पूरे भारत में कैसे अपने नेटवर्क को फैलाया है, पूरे देश भर में, चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो पानी वाला इलाका हो, सब जगह से ट्रेन को गुजारा गया है। किस तरीके से भारतीय रेलवे ने यहाँ पर काम किया है वो चीज़ यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। चलिए अब अगले स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ की खूबियों के बारे में आपको दिखाते हैं।